अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया कोकण क्षेत्र का दौरा, तूफान प्रभावित इलाकों में भेजी राहत सामग्री, नागरिकों को दिलाया मदद का भरोसा। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को कोकण क्षेत्र के कई इलाकों का दौरा किया और चक्रवाती तूफान निसर्ग से हुए नुकसान का जायजा लिया। देवेंद्र फडणवीस ने स्थानीय लोगों से भी बातचीत की और उनकी मुश्किलें समझने के बाद मदद का भरोसा दिलाया। अपने दौरे से पहले देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई, ठाणे एवं पनवेल से कोकण के लिए कुल 14 ट्रकों को भी रवाना किया। इनमें राहत सामग्री भरी थी जो स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं की मदद से तूफान प्रभावित इलाकों में बांटी जाएगी। कोकण के नागरिकों से मिलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। फिलहाल सरकार और विपक्ष दोनों ही ओर से कोकण क्षेत्र में नेताओं के दौरों का सिलसिला तेज हो गया है। दो दिन पहले खुद मुख्यमंत्री ने भी दौरा किया था और तूफान से प्रभावित कोंकण के लोगों को मदद का भरोसा दिलाया था। हालांकि लोगों का कहना है कि सरकार की ओर से पर्याप्त सुविधा और मदद नहीं मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।